तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि पिछला सर्वाइवल सीरीज हमारा मैंने बैकअप नहीं बनाया था तो वो उड़ गया था, लेकिन इस बार हम लोग ब्लैक का गांव बसाने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली ब्लैक की दुनिया डिलीट हो गई और मैंने कोई बैकअप नहीं बनाया था, लेकिन हमारे पास ब्लैक का गांव, हम वापस से शुरुआत से चालू कर रहे हैं। पिछले में मैंने बहुत ज्यादा ही प्रोग्रेस कर लिया था, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है। व्यूज तो कहीं से भी आए, बस आना होना चाहिए। हाँ, मतलब व्यूज आना चाहिए। तो भाई साहब क्या तगड़ा स्पॉन मिला, लाइक लिटरली इधर देखो, डार्क जंगल है और जंगल बायो में भाई इतना प्यारा, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार, क्या ही तगड़ा स्पॉन मिला है। लेकिन और हाँ, मैं पहले तुम लोगों को बता दूं, इस एपिसोड में मुझे जो मिलने वाला है वो सब उठा के चलने वाला हूं, बिकॉज बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, माइनक्राफ्ट का नियम है, अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट स्टार्ट कर रहे हो तो जो बेसिक काम है वो करना ही पड़ेगा, स्टिक बनाओ, क्राफ्टिंग टेबल बनाओ, टूल्स बनाओ, ये सब तो बनाते रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम वो जो कि बात मुझे करना चाहिए, एक यूट्यूबर का दायित्व क्या है। तो गाइज अगर तुम लोग न्यू पार्टी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट कर ही देना और बेल आइकन चेक कर लेना ऑन की होगी नहीं, क्योंकि बाद में तुम्हें नोटिफिकेशन ना मिले और सब्सक्राइब करने का भी कोई फायदा ना हो। और ऊपर से जो पुरानी पार्टी है तो तुम लोगों को पता ही है करना क्या है, तुम लोगों को बस सिंपल सा लाइक करके कमेंट करना है, ठीक है, और बेल आइकन तुम भी चेक कर लेना ऑन की हो कि नहीं की हो। अगर पुरानी पार्टी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बहुत बुरा लगा है मुझे। और बाकी देखो यार, यहाँ पे बम्बू मिल चुका है। ओ भाई सही है यार, ये मिल गया, इसका एक सैपलिंग उठा लेते हैं, इसको उगा देंगे अगर जहाँ भी हम अपना घर बनाएंगे। मैं लिटरली सब चीज, सारे पेड़ों का सैपलिंग्स लेके चल रहा हूँ और जो भी बम्बू जो भी मिल रहा है मुझे वो सब मैं पहले ही उठा के चल रहा हूँ, बिकॉज बाद में मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, फिर बाद में परेशान होता रहूँगा। भाई लिटरली एक मिल गया, मतलब पूरा पेड़ खत्म करने के बाद सिर्फ एक मिला। चलो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट डे कैसे सरवाइव करते हैं हम लोग। मुझे नहीं पता भाई कैसे सरवाइव। ओ भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा पांडा, इस पेड़ का भी एक सैपलिंग ले लेते हैं, जहां भी हम अपना घर बनाएंगे वहां पे लिटरली सारे पेड़ का सैपलिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा। और देखो यहाँ पे मेरे को मिल भी गया, मैंने मतलब भाई कितनी मेहनत से मिला मुझे मत पूछो। और भाई यहाँ लिटरली बहुत सारे पांडा है, देख लो तुम, जंगल सैपलिंग मिल चुका है और भी बहुत सब कुछ है यहाँ पे। मैं लिटरली सारे चीज कलेक्ट करके चलने वाला हूँ और आज के एपिसोड में हम एक अपना सुंदर सा प्यारा सा घर भी बनाने वाले हैं। लिटरली मैं काफी देर से एक्सप्लोर कर रहा हूं और रात भी हो चुका है, हमारा फर्स्ट नाइट हो चुका है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अब मेरे को वापस से छुपना पड़ेगा, ओ माई गॉड, आज रात मुझे गड्ढे के नीचे ही बितानी पड़ेगी। तो जल्दी से अंडरग्राउंड डिग करके हम यहाँ पे छुप जाते हैं और देखते हैं कि यार, मतलब लिटरली यार मुझे बेड बना लेना चाहिए था, ये मैंने सबसे बड़ी गलती की, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट नाइट ही तो सरवाइव। The next day. Morning everyone. तो हमारा अगला दिन हो चुका है जैसे कि तुम लोग देख रहे हो। और भाई साहब, ओ भाई स्प्रूस सैपलिंग, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्प्रूस टी हमें दिख गया है। और तुम्हें भी पता होगा कि भाई माइनक्राफ्ट की में स्प्रूस का कितना ज्यादा, भाई सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर कोई पेड़ है तो वो स्प्रूस है। और ये सजावटी के लिए ले रहे हैं, बिकॉज आज हम अपना घर भी बनाने वाले हैं और भूख भी बहुत लग रही है जैसे कि तुम लोग देख रहे हो। तो जल्दी से, यहाँ शिप दिख गई है मुझे, शिप दिख रही है, बकरी दिख गई है, चलो बकरी मारेंगे और दो तीन और जानवर मार के हम अपना फूड का जुगाड़ कर लेंगे। और अगर तीन बकरी अभी मिल जाएगी तो हमारा तीन बुल भी मिल जाएगा, बेड आज ही बना लेंगे जल्दी से। चलो हमारा खाने का जुगाड़ हो चुका है, अब हम चलते हैं स्प्रूस सैपलिंग लेने के लिए। भाई लिटरली यार, सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर कोई सैपलिंग है माइनक्राफ्ट में तो वो स्प्रूस सैपलिंग है, जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा। और मुझे स्प्रूस सैपलिंग मिल गया है, चलो देखते हैं, इन्वेंट्री में दो मिल चुका है, चलो बहुत है भाई, बहुत है। अब चलो चलते हैं कोई अच्छी जगह ढूंढने के लिए। भाई यार काश मेरे पास बॉन होता, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। अब भाई जल्दी से एक अच्छी जगह ढूंढते हैं, वहाँ पे हम अपना बसेरा बनाएंगे। उससे पहले हमारा तीन बूल कलेक्ट हो चुका है और ये फ्लावर्स और मिल गए, ये फ्लावर्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जल्दी से हम एक बढ़िया जगह की तलाश में चलते हैं और भाई खोजबीन तो जारी रहेगी। और भाई आज का प्लान होगा एक बढ़िया सा विलेज में मिल जाए, बिकॉज विलेज में लूट बहुत अच्छी होती है। वाटरमेलन भाई, इसको पहली बात तो कट कर लेते हैं, सबसे मस्त चीज लगता है भाई ये जंगल बायोम का, यहाँ पे तुम्हें खाना भी मिल जाएगा। एक मिनट, ओ हो भाई चलो, हमारा गांव भी मिल चुका है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। अब हम यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं गांव में, भाई बहुत तगड़ी लूट होगी, हम सारे के सारे घर को भी लूट देंगे, लूट के देखेंगे कि भाई क्या क्या है। चलो गांव में आ चुके हैं हम लोग और देखते हैं, भाई बेड है, इसमें भी कुछ खास नहीं है इस वाले में। ओहो लाइब्रेरियन, ठीक है, चलो मतलब इस विलेज में है भाई, थोड़ा बहुत है, रात हो गई है, जल्दी से हम बेड बना लेते हैं। चलो अच्छा हुआ मैंने रास्ते में
वुल कलेक्ट कर लिया था, बेड हो चुका है और गुड नाइट गाइस, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट डे। चलो नेक्स्ट डे भी हो चुका है, अब जल्दी जल्दी से अपना खोजबीन वापस से चालू करते हैं। ओ भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया ना, हे बेल्स, चलो इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज ब्रेड बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भाई सबसे मस्त चीज़ मुझे दिख चुकी है, और ब्लैक स्मिथ का घर, जल्दी से इसके अंदर चलते हैं बिकॉज इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिल ही जाता है। आयरन मिल जाए तो सही रहेगा। ओ अनएक्सपेक्टेड भाई साहब, वो लिटरली ओ माय गॉड, 4 डायमंड मिल चुका है और 3 सैपलिंग मिल, ओक सैपलिंग मिल चुका है। चलो देखते हैं और भाई कुछ मिल जाए। और इस चेस्ट में क्या, ओह शिट, सिर्फ 2 ब्रेड है, कोई बात नहीं, और एक लेदर की पैंट है, कोई बात नहीं, सही है यार, फिर भी सही मिला। और भाई ये जगह देखो यार, प्लेन है थोड़ा बहुत और वाटर के पास है। चलो इधर ही कहीं अपना घर बनाते हैं, लेकिन इधर नहीं बनाएंगे, पूछो क्यों, विलेज के जस्ट बगल में नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा दूर चल के बनाते हैं। हाँ इस साइड सही है, इस साइड चलते हैं और इस साइड हम एक थोड़ा सा अच्छा प्लेन जगह देख लेंगे जिसे साफ ज़्यादा ना करना पड़े। ओहो मुझे ये सही लग रहा है, पहले आगे देख के आते हैं आगे आसपास। ओ भाई साहब लिटरली भाई, यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो हमारा, मतलब भविष्य में यहाँ पे अगर हम लोगों ने फार्म वार्म बनाया, घर पर बनाया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। तो भाई लिटरली यहाँ पे मैं अपना बेड लगाता हूँ, और यहाँ लगाया मैंने क्राफ्टिंग टेबल, और 2 चेस्ट बना लेते हैं, सामान ये सारा का सारा चेस्ट में रख देंगे। ओ भाई साहब लिटरली मज़ा आ गया, लिटरली सच्ची बता रहा हूँ, सबसे अच्छी जगह मिली है मुझे इतनी ढूंढने के बाद। सही कहते हैं लोग, सबर का फल मीठा होता है। चलो यहाँ पे चेस्ट लगा देते हैं, और बारिश स्टार्ट हो चुका है, मतलब रात होने वाली है, तो एक बार क्लिक करके देखते हैं। ओ भाई सही में, चलो जल्दी से हम अपना सारा सामान चेस्ट में रख लेते हैं। और भाई साहब सही है यार, मतलब सारा सामान अपना रख लेते हैं चेस्ट में। ओ भाई उधर क्रीपर जा रहा है लिटरली यार, एक मिनट भाई साहब लिटरली, ओ भाई अगर मैं अभी जस्ट जल्दी से अपना चेस्ट नहीं बंद करता ना, मेरा मौत तो पक्का था। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे इसको ब्लास्ट करते हैं बिकॉज जब तक मैं जाता रहूँगा ये मेरा पीछा करता ही रहेगा। ब्लास्ट हो जा, चलो सही है, मैं डैमेज भी नहीं खाया और ब्लास्ट भी हो गया। चलो इस डट का अभी काम है बिकॉज अभी मैं जो घर बनाने वाला हूँ लिटरली सबसे ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है, बिकॉज जैसा मैंने सोच रखा है घर बिल्कुल वैसा मैं बनाने वाला हूँ। स्पाइडर का सही होता है, दिन में नहीं देख पाते। चलो क्रीपर को एक यहाँ ब्लास्ट करता हूँ। बिना मेहनत किए हुए डट कैसे जमा करें, आज तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो ओ भाई इसमें 1 हर्ट का डैमेज हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो तुरंत अभी तुरंत मतलब जल्दी से आ जाता है हर्ट, 1 ही हर्ट का तो हुआ है, कोई बात नहीं। चलो 40 हमारे पास डर्ट आ चुके हैं, अब जल्दी से मैं जो सोच रखा है वो बनाना स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता है तुम लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है, फिर भी लेकिन अभी देखो कि कैसे बना रहा हूँ मैं। भाई लिटरली यार फर्स्ट घर तो अच्छा ही होता है यार, अपना घर तो अपना ही होता है। इस वीडियो का टाइटल यही डालूंगा, सर्वाइवल सीरीज एपिसोड नंबर 1, अपना घर तो अपना ही होता है। भाई कैसा लगेगा यार, जस्ट तुम इमेजिन करो। चलो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, और बाकी देखो। और यहाँ पे लगता है मेरा डर्ट खत्म होने वाला है, लेकिन मैं तुम लोगों को घर बना के ही मिलता हूँ। तो फाइनली घर मैंने बना लिया भाई, लिटरली बहुत मेहनत लगी है, काश तुम समझ पाओ कि नहीं, लेकिन देखो यार वो जो फूल लाए थे वो सारे के सारे फूल मैंने लगा दिए हैं, ऊपर से ये बकरी मिल गई है। और भाई जितने भी सैपलिंग्स मुझे रास्ते में मिले थे, जितने भी लिटरली तुमने शुरुआत से देखा है तो तुम्हें पता होगा, और भाई जितने मिले थे मैंने सब आसपास लगा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। जैसे कि ये देखो बम्बू, उससे पहले ये ट्रेडर भैया आए, देखता हूँ इनके पास क्या है, और भाई कुछ खास हो, लेकिन मैं ले भी नहीं सकता, कुछ खास भी हुआ फिर भी नहीं ले पाता। लेकिन ये देखो ये सारे के सारे बम्बू मैंने लगा दिए, और ये ग्रो होंगे, इसको भी और लगा दूंगा। और बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देखो सामने मैंने ये स्प्रूस सैपलिंग लगा दिया है ये, और बाकी वो जो लाया था वो सारे के सारे लगा दिए, ओक सैपलिंग वो जो 3 मिले थे वो लगा दिए, डार्क ओक सैपलिंग लगा दिया और जंगल वाला लगा दिया। और ये देखो भाई लिटरली ये मुझे पता है रात को ना वो बोन मिल मिला, सुबह उठा तो एक स्केलेटन जल के मर गया, तो उसके पास 3 बोन मिले, मैंने उसका ये बना लिया, ठीक है, बोन मिल बना लिया। और बाकी अंदर तुम लोग कुछ देख सकते हो, इस टाइप का मैंने बनाया होगा, और इस टाइप का बनाया है जैसे ये मैंने डाल दिया, और जैसे ये देखो मैं भाई लिटरली ऑफ कैमरा मैंने जाके माइनिंग की और मेरे को स्टोन मिले, और मैंने ये सब बना दिया अपना, क्या बोलते हैं, स्टोन का आर्मर। चलो अब यहाँ पे मैं आयरन को क्यों मारने आया हूँ जल्दी से अभी गेस करो, मुझे पता नहीं कर पाओ। ए भाई जल्दी लग 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 जब भाई अभी मर जाता मैं। चलो मुझे पता है तुम लोग गेस नहीं कर पाओगे, तो बता दूँ, बकेट बनाने के लिए, वाटर बकेट बनाने के लिए। यहाँ पे तो वापस आयरन गोलम आ जाएगा अगर आना होगा तो, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अब ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कब्जे में है। तो अब जल्दी से मैं वाटर बकेट बना लेता हूँ, उससे पहले रात हो गई है। अब वाटर बकेट मैं बताओ क्यों बना रहा हूँ, तुम्हें भी पता है
वाटर को लेके कहीं भी चल सकूं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपना छोटा सा एक छोटा सा फार्म बनाने वाला हूँ, जो कि तुम लोगों को आप पार्ट टू में पता चलेगा कि मतलब मैं पार्ट टू का अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ कि मैं क्या क्या बनाने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों को फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। यहाँ से लिटरली यहाँ विलेज में पहुँचने के बाद से तुम लोगों को पक्का अच्छा लगा होगा, बिकॉज भाई साहब यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। जैसे कि तुम लोगों ने देख लिया कितना ज़्यादा प्रिटी घर बनाया मैंने, और भाई साहब एक हो भाई आयरन का हो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो एक छोटा सा हम खेत बना लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं जो भी मेरे को मिला है, जो भी मेरे बीज मिला है, वो सब लगाने वाला हूँ। और बाकी तुम भाई आज की वीडियो तुम लोग लिटरली तुम लोग बताओ कि कैसा लगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे भी मुझे बीज मिल ही गया, ये सारे के सारे मैं लगा देने वाला हूँ। और भाई लिटरली आज की वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी ये तुम लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम लोगों के कमेंट पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो मेरे बाकी वीडियोज़ जाके देख लेना, और बाकी तुम देख सकते हो आज कितना ज़्यादा प्यारा लगा। आज की वीडियो लिटरली बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बाकी तुम लोग बता देना। आई होप कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो बस एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और तुम लोग अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना। और जो पुरानी पार्टी है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बस लाइक एंड कमेंट करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। और मैं मिलूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर दिया है तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सर्वाइवल सीरीज भी आएगी, ठीक है। अब ये डिलीट ना हो ना यार, कितनी बार ठीक है बोल दिया, ठीक है फिर। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलो बाय यार, बाय बाय।